जय जिनेंद्र दोस्तों, स्वाद की किरण में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओरियो केक। तो आइए देखिए ओरियो केक कैसे बनता है। ये हमने 250 ग्राम ओरियो बिस्किट लिए हैं। अब इनको हम थोड़ा क्रश कर लेंगे। अब हम एक झाड़ लेंगे और इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ये देखिए हमने इसको बिल्कुल बारीक क्रश कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल। अब हम इसको एक बॉल में निकालेंगे। ये देखिए हमने बॉल में निकाल लिया है। अब हम इसमें एक चम्मच शुगर का डालेंगे, क्योंकि इसमें खुद ऑलरेडी ये मीठा है, तो हम एक चम्मच ही शक्कर इसमें मिक्स करेंगे। अब देखिए इसमें हमने जो शुगर पाउडर डाला था वो मिक्स कर दिया है। अब ये हमने नॉर्मल दूध लिया है, गुनगुना दूध है हल्का सा, इसको हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे। एक कटोरी दूध के आसपास इसमें लगेगा, तो हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे। ये देखिए एक कटोरी के आसपास हमारे दूध लगा है, बाकी इतना सा बच चुका है। और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ये अपने आप गिर रहा है। अब हम इसमें एक चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब इसको हम ज्यादा देर नहीं रखेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने ये एक टिन का बर्तन लिया है, इसमें हमने बटर पेपर लगा दिया है ताकि आसानी से निकल जाए। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इस पे मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। अब हम इस पे ऑयल लगाएंगे या घी लगाएंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए, इसकी चिपके ना। और ये बैटर हम इसमें डाल देंगे। ये हमने प्री हीट होने के लिए पहले से ही ये कढ़ाई चढ़ा दी थी। अब हम इसको लो और मीडियम के बीच में इस प्लेट को रखेंगे। इसको हम हल्का सा टेप कर लेंगे ताकि इसमें कोई हवा ना रहे। और हम इसको 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। इसको हम बार बार में नहीं छेड़ेंगे। देखिए 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा केक पका है या नहीं पका है। वाह, देखिए फूल के कितना वो हो गया है। अब देख लेते हैं, एक टूथपिक डालेंगे, ये बिल्कुल क्लीन आ रही है देखिए, तो इसका मतलब हमारा बेक हो चुका है केक। अब हम अपनी गैस को बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए बाहर निकालेंगे। हमने इस पे रिंग रख दी थी और इस पे हमने अपना टिन रख दिया था। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। देखिए अब हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट पे निकालेंगे। इसको धीरे से टैप करेंगे। ये देखिए, और इसकी धीरे धीरे ये पन्नी हटा लेंगे। देखिए हमारा केक कितना बढ़िया बना है, कितना स्पॉन्जी है, दिखने में ही लग रहा होगा। अब इस पे हम, ये हमने नाम लिखा है
वो इस पे चिपका देंगे। अब हम इस पे मिल्क पाउडर डालेंगे। अब हम इसको धीरे से उठा लेंगे। अब हम इसको काट के बताएंगे। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है। देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें।